हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल को 23 दिन बीत चुके हैं। रोजाना प्रदेश के कई जिलों से अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स के लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। भले ही हरियाणा सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दे दिया गया है, बावजूद इसके प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे तो मानी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं, जिसे लेकर अब आगामी 5 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों के इस धरने को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी भी सामने आई। सरकार ने हमारी बात तो मानी है, लेकिन वो वाली बात हो गई जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे देते हैं ना, और वो बहका देते हैं। लेकिन सर, हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार जो मोदी सरकार ने हमारे 2018 में 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के बढ़ाए थे, वो भी खट्टर साहब ने देने से मना कर दिया है। हम इससे बिल्कुल नाराज हैं, और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, जो हमने अपनी 19 सूत्रीय मांग रखी है, तब तक हम ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और 5 तारीख का हमारा बड़ी रैली करने का प्रोग्राम वो रणनीति है। जो माँ बहनें हैं 23 दिनों से आप बैठी है, और बैठने के बावजूद सरकार का एक तो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हालात आप लोग हम यहाँ के पागे हैं। 23 दिन से यहाँ अपने घर का काम भी करके आती हैं, और घर का काम करने के बावजूद यहाँ भी इनको हाजिरी लगानी पड़ती है, लेकिन सरकार जो इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरीके से लॉलीपॉप इन लोगों को इस तरीके से दिया जाता है कि इनको बरगला के भाई जो घर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि अब ये महिलाएं जो है ना घर की नहीं रही, अब ये घर से निकल के आ गई हैं, और ये जब तक वापस नहीं जाएंगी, जब तक इनकी 19 सूत्र जो मांगे हैं सारी मांगे जो नहीं मानी जाएं, जब तक ये नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ रेवाड़ी में सरकार से बातचीत को प्रदर्शनकारियों ने विफल बताया। वर्कर हेल्पर यूनियन ने सैकड़ों की तादाद में सुभाष चंद्र बोस पार्क पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अपने किए गए वादों से पीछे हट रही है, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने हमारे से लॉलीपॉप दिए, हमारा जो एक महीने तक हमने इतनी कड़ी मेहनत दी वो कुछ नहीं दिया। हमारी बहने, हमारी प्रधान, हम वर्ग लाए, आगे निर्णय आप देख रहे हो। हमारी तालमेल कमेटी चल रही है, जो निर्णय होगा वो कल बताएंगे, आज निर्णय नहीं बताएंगे, सिर्फ आप जोश दे सकते हो हमारी बहनों को। जो हमारी राज्य कमेटी जैसे ये अभी सीएम साहब से मिल के आए हैं, हम बिल्कुल हमारा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खत्म कर दिया जाए। एक सरकार ने खोखला पिटारा जो दिखाया है हमें, उससे हम बिल्कुल नाखुश है। जो सरकार खुद अपने मुंह से ये बोल के कह दे कि कुशल और कुशल का दर्जा दिया जाए, और कल उसी मांग को लेकर बहनों को ये कह दिया जाए, मेरे मुँह से निकल गई। वहीं करनाल में भी सरकार के फैसले से असंतुष्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स दोबारा धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर रैली का आयोजन कर सरकार का विरोध जताने का ऐलान किया है। 5 जनवरी को महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अपनी मांगों को एक बार फिर से उठाया जाएगा और आगे की रणनीति बनाकर निर्णय लिया जाएगा। मैं एक बिना खट्टर जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियाँ किसकी हैं? ये क्या भारत की बेटियाँ नहीं है क्या? मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगी कि भी ये जो डिपार्टमेंट है नीडी लोगों का, इसमें ये नीडी लोगों को डालते हैं जिसमें विडो बहनें ज़्यादा है, तो ये देते क्या है विडो बहनों को? 9:30 से लेकर के 2:45 बजे तक की ड्यूटी है, तो उसमें क्या देते हैं? सिर्फ 6,000 रुपये। जो विडो बहनें हैं 6,000 रुपये में कैसे घर चलाएंगी? तो किस क्या सोच के महंगाई तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, और सैलरी मानते क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये क्या नहीं डिजर्व करती है? अगर आप 9:45 से लेकर 2:45 बजे तक ड्यूटी लेती हो, क्या ये 6,000 रुपये में अपना घर चलाएंगी? कौन से देश का मानदेय है ये? बहरहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या दोबारा इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को बातचीत के लिए बुलाया जाता है या नहीं। नूह से कासिम खान, रेवाड़ी से राजेश शर्मा और करनाल से हिमांशु नारंग, खबरें अभी तक।